when the position of a particle changes with respect to an observer, particle is said to be in motion with respect to that observer. अगली लाइन में लिखो, ऑब्जर्वर इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखो जैसे ये मान लो ए है इसका नाम, ये रेलगाड़ी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो गाड़ी चल रही है, कुछ स्पीड से चल रही होगी ना. तो मैं पूछूं, इज बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, यस और नो? तो इज बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, यस दिख रहा है क्योंकि भाग रहा है. इज सी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि सी भी गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी दूर जा रही है ना, रेलगाड़ी के ऊपर चढ़े हैं, रेलगाड़ी दूर जा रही है, दूर जा रही है तो डिस्टेंस बढ़ रहा है. तो यस, इज सी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी? सी बी के रिस्पेक्ट में है क्या मोशन में? है ना, नहीं है ना, क्योंकि बी और सी के बीच का सेपरेशन चेंज ही नहीं होगा. समझ में आ रहा है? इनके बीच की पोजीशन सेम रहेगी क्योंकि दोनों रेलगाड़ी के ऊपर है. अरे तुम्हारे बाजू में कोई सीट पे बैठता है तो तुम्हारी डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होता है, तो वो मोशन में नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है. ये समझ में आया क्या? इज ए मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या ए बी के रिस्पेक्ट में जा रहा है, मोशन में है? तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है ना, पर इसके हिसाब से ये पीछे के डायरेक्शन में जा रहा होगा बी स्पीड से. समझ में आया? yes. तो देखो दो चीजें है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो नई फिजिकल क्वांटिटी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसको तुम ऑलरेडी जानते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो क्या फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बताओ? यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का, इसका? तो दोनों का सेम होता है ऐसा यूनिट, ठीक है. डिस्टेंस होता क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. ये लिखवाए क्या पहले? नहीं लिखवाए तो लिखो अभी. एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन. तो सब तो आता है तो काइनेमेटिक्स में, बिटवीन इनिशियल एंड. जल्दी जल्दी लिखो फटाक से. थर्ड, और क्या बता सकते हैं इसके बारे में? डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है? हाँ करता है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखो दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेंगे, ऑब्जर्वर पे ना. चलो क्वेश्चंस करो पहले, तो एक दो करते हैं. रेडियस है आर. देखो, ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन ए सेमी सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कितना है एक्चुअल, तो ये चला है, इसकी लेंथ कितनी है? पाई आर. और डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर. डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है. करें आगे, इसमें किसी को डाउट है? नहीं है, चलो ठीक है. ए पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन ए सर्कुलर पाथ, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. आर फाइ है ना, डिस्टेंस कितना होगा? आर इंटू फाइ, क्योंकि ये आर की लेंथ कितनी होती है? रेडियस इंटू एंगल. जब भी एंगल रेडियन में होता है, जब भी एंगल रेडियन में होगा, याद रखना, जैसे पाई रेडियन, पाई बाई टू रेडियन, कुछ भी. तो जब एंगल को आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे हमको आर की लेंथ मिल जाती है, ये सर्कुलर लेंथ मिल जाएगी, है ना. ये कितनी है? फाइ आर. आया है नहीं आया समझ में? ये पता है? नहीं पता तो अभी पता कर लो, नहीं पता तो अभी पता कर लो, ठीक है. एंगल को रेडियस से मल्टीप्लाई करते तो आर्क लेंथ मिलती है, पर वो एंगल रेडियन में होना चाहिए, डिग्री में नहीं होना चाहिए. ये 60 डिग्री है, ये लेंथ है 2 मीटर. तो बताओ लेंथ कितनी होगी, बताओ ये लेंथ कितनी होगी? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 60 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई बाय 3 रेडियन. तो पाई बाई थ्री इंटू आर ये होता है रेडियन से, समझ रहे हो ना?
जब तुम आर के लेंथ आर इंटू फाई लिख रहे हो, आर इंटू थीटा लिख रहे हो, तो वो एंगल रेडियन में होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। ये कितना है, पाई बाई थ्री, तो कितना आ गया पाई आर बाय थ्री। देखो यहाँ से तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, अगर ये कंप्लीट सर्किल हो जाएगा तो फाई तुम्हारा कितना हो जाएगा, टू पाई रेडियन, 360 डिग्री मतलब टू पाई रेडियन। तो देखो फाई को टू पाई रखोगे तो टू पाई आर बन गया ना, तो ऐसे ही तो निकलता है सर्कमफेरेंस सर्किल का। तो ये आर है, तो ये आर कॉस फाइव बाई टू होगा, और ये कितना होगा आर साइन फाइव बाई टू होगा या नहीं होगा बताओ, और ये भी आर साइन फाइव बाई टू होगा। सिमिलर समझ में आया, ये पूरा एंगल फाई है तो आधा फाइव बाई टू होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये अगर आर है तो ये आर कॉस फाइव बाई टू होगा और ये आर साइन फाइव बाई टू होगा। तो एस कितना आ गया, टू आर साइन फाइव बाई टू, काट दो टू और टू, ऐसा सोच सकते हैं एक ऐसा वेक्टर है आर वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर है आर वेक्टर, तो थीटा कितना हो गया 180 माइनस फाई, तो रखो तो उससे भी यही आएगा टू आर साइन थीटा बाई टू। करके आओ देखो अगली क्लास में, सब कुछ रिवाइज करके आओ वरना दिक्कत होगी आगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ।